हेलो पुडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ, जो 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है और इसके साथ कोई भी सब्जी लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी नई नई रेसिपी लेके आए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे, उसमें एक कटोरी या एक कप हम लोग पोहा डालेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी पोहा यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मोटा पतला कोई भी। उसके बाद सेम कटोरी से हम लोग एक कटोरी इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और 10 मिनट के बाद ये पोहा फूल चुका है। अब हम लोग इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो हम लोग निकाल लेंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा पानी निकालना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहती है। तो यहाँ पे मैंने सभी पोहे से एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है इसी तरीके से। और उसके बाद अब हम लोग इसे आटा के तरह गूंद लेंगे। तो मतलब इस तरीके से पहले हम लोग इसे क्रश कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए कि एक आटा का फॉर्म में आ गया है। यहाँ तक हमें करना है, एक मिनट लगता है बस, उससे ज़्यादा इसे करने में नहीं लगता है। अब हम लोग इसमें एक कटोरी, सेम कटोरी से जिस कटोरी से मैंने पोहा डाला था, सेम कटोरी से हम लोग यहाँ पे आटा डालेंगे। आप कोई भी आटा यूज़ कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर स्वाद अनुसार नमक डाला था मैंने। देन उसके बाद इसमें मैंने बारीक कट किए हुए प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, तो सबको बारीक कट कर लीजिएगा। उसके बाद हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, और हाफ टेबल स्पून भुनी हुई जीरा पाउडर। हमें इसमें अभी कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। पहले हम लोग मसालों को अच्छे से मिला लेंगे इसके साथ, जितनी भी अनियन शिमला मिर्च है। और इसमें पानी बिल्कुल बहुत कम ऐड करना, बहुत कम, 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून, क्योंकि पोहे में ऑलरेडी मॉइस्चर था तो उस मॉइस्चर से ये आटे को गूँथ लेता है। प्लस इसमें हमने प्याज भी डाला तो उससे भी मॉइस्चर रिलीज़ करती है। तो आप इसे ऐसे हल्का सा पानी 1 टेबलस्पून हाथों पे लें और इसे बस समेटने के लिए हम थोड़ा सा पानी लेकर इसे गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा आटा जो है रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे टोटल 3 से 4 टेबलस्पून पानी यूज़ किया। अगर आपको एक्स्ट्रा की नीड है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आप इसमें कम से कम ही पानी यूज़ करें क्योंकि अनियन वगैरह है तो उससे मॉइस्चर रिलीज होता है। और तुरंत हाथ साफ करके आप इसे बेल ले लोई कट करके। अब आटा लगाकर तुरंत ही बेल ले, क्योंकि अगर आप आटा को छोड़ देते हैं तो आपकी आटा जो है और भी गीला हो जाएगी। तो हाथ साफ कर लें और उसके बाद तुरंत इसे आटा लगाकर आप बेल लें, क्योंकि हमने इसमें अनियन भी डाला है तो वो क्या होता है, मॉइस्चर रिलीज करता है, तो जिसके वजह से ये आटा जो होता है वो गीला होते जाता है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के इसे बेल लिया है। आप चाहे तो सेम इसी तरीके से इस रोटी को सेक सकते हैं तवे पे, लेकिन मैंने यहाँ पे भी इसे छोटा सा कट कर लिया है। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से कट करके उसके बाद सेका है। तो मैंने 4-5 जो है वो रोटियाँ इस तरीके से बना ली है और हल्का मैंने 2 से 3 बूंद इसमें तेल डाल दिया है। और उसके बाद हमने जो रोटियाँ बनाई 3 मैंने यहाँ पर एक साथ सेक लिया है। तो आपका जितना बड़ा तवा है आप उस हिसाब से 3-4-2 रोटी को यहाँ पे सेक सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगाया था, 1 से 2 ड्रॉप। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे सेक लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मोटी रोटियाँ हमने यहाँ पे नहीं बेली थी। और एक साइड से हल्का सा तेल लगा के, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि वो हेल्दी नहीं होता है। तो चाहे तो आप सरसों का तेल या घी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का हल्का तेल लगा के मैंने दोनों तरफ से इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सेक लिया। ये पोहे और आटे से बहुत ही नई रेसिपी है, पोहा, और मैंने इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, और ऐसा इंग्रेडिएंट जो हर घर में अवेलेबल होती है। आटा सभी के पास होता है, अगर मल्टीग्रेन आटा नहीं है तो नॉर्मल आटा तो सभी के पास होता है। पोहा भी हर लोग अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। तो दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पे बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो, अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे। तो यहाँ पे हमारा जो रोटी है वो रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इमली का चटनी रखा है और यहाँ पे मैंने आम का एक कुचा, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे, दोनों की वीडियो मेरे चैनल पे है,
आप वहाँ पे देख सकते हैं, मैं नहीं तो ऊपर आई बटन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सॉफ्ट हुई है, नॉर्मल रोटी जितनी सॉफ्ट हुई है। आप इसे चटनी के साथ इंजॉय कीजिए।